राहुल सौमित्र। सबसे पहली खबर उन्नाव से है। उन्नाव में गंगा कहर बरपा रही है। एक एक कर गंगा कई मकानों को अपने आगोश में ले चुकी है। दहशत का आलम यह है कि अब लोग पलायन करने को मजबूर हैं और प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। उन्नाव में उफान पर गंगा, कटान से लोगों में दहशत। एक एक कर गिरते जा रहे मकान, गंगा में कटान, आफत में जान। गुस्से में गंगा, गंगा के रौद्र रूप की ये तस्वीरें उन्नाव जिले की हैं। गंगा इतने गुस्से में है कि एक एक कर सारे घर जमींदोज होते जा रहे हैं। कटान इतनी तेजी से हो रहा है कि लोग दहशत में आ गए हैं। दरअसल पश्चिम के बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे गंगा में उफान आ गया है। शुक्लागंज के रविदास नगर मोहल्ले के सामने दो दिन से धीरे धीरे गंगा कटान कर रही है। देखते ही देखते एक एक कर सारे मकान गंगा में समाते जा रहे हैं और जो बाकी बचे मकान हैं, वो ठहरने की कगार पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बोरी और बल्ली लगाकर कटान रोकने की कोशिश की है, लेकिन सारी कवायद बेकार हो गई। लोग दहशत में जी रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं या पलायन करने की तैयारी में हैं। कटान के चलते कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा झांकने तक नहीं पहुंचा है अब तक। अगर ऐसे ही कटान होता रहा तो पास में बनी पानी की टंकी और पूरी की पूरी बस्ती गंगा में समा जाएगी। अब तस्वीरें आपको आगरा की दिखाते हैं। आगरा में चंबल नदी की तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे पूरे शहर को चंबल ने अपनी आगोश में ले रखा है। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोटा बैराज से छोड़ा गया 3,51,159 क्यूसेक पानी मंगलवार को बाह क्षेत्र में पहुंच गया। इतना ज्यादा पानी आने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 6 गांवों का रास्ता तहसील मुख्यालय से कट गया है। चंबल नदी में आफत आ जाने के बाद से गोहरा, रानीपुर, गुढ़ा, भटपुरा, भगवानपुरा और कचियारा गांव का मार्ग तहसील मुख्यालय के लिए बंद हो गया है। बाढ़ के पानी में घिरे 6 गांव टापू बन चुके हैं। यहां 3-3 किलोमीटर के दायरे में पानी भर गया है। इन गांव की बिजली काट दी गई है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। भारत समाचार के लिए उन्नाव से अनुराज भारती और आगरा से सुमित अग्रवाल की रिपोर्ट। हमीरपुर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिना बरसात के यमुना और बेतवा नदी उफान पर भयानक रूप दिखा रही है, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। लोग नाव के सहारे अपना सामान लेकर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के कारण 1 दर्जन गांवों का संपर्क बंद हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, पानी में सब कुछ इनका बह गया है और इसीलिए ये लोग यहां से पलायन को मजबूर हैं। और यहां पर सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रशासन के अगर आपको कहीं इंतजाम दिखे तो आप बताइएगा। खुद ये अपने इंतजाम कर रहे हैं और जो भी इनके पास व्यवस्था है वो कर रहे हैं। और इस नाव में निश्चित तौर पर क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हैं और इसी तरह से 2 पहिया वाहनों को दूसरे पार ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर की है। नाव के जरिए लोग गांव को पलायन कर रहे हैं, दूसरे गांव में रहने के लिए जा रहे हैं। मेरठ में सिरफिरों का कारनामा, आपको भैंसा गाड़ियों से उन्होंने रेस लगाई, उसके बाद बताएंगे। रेस भी ऐसी कि ना तो अपनी जान की परवाह थी ना ही उस जानवर की। हाईवे पर भैंसा रेस, इंसानों के भेष में जानवर,
न खुद की परवाह न जानवर की। मेरठ के सरदना क्षेत्र में सिरफिरे युवकों ने जान जोखिम में डालकर लगाई भैंसा बुग्गी रेस, न तो सुरक्षा की फिक्र न ही रोड सेफ्टी की। चालान भी कटेगा तो इनका किस हिसाब से, हाईवे पर खुलेआम हुई मौत की रेस। हाईवे पर दो भैंसा गाड़ी वाले आपस में रेस लगाते हैं। इस रेस को देखने और बढ़ावा देने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर एक बाइक पर तीन तीन लोग इनके पीछे चलते हैं और रेस का वीडियो बनाते हैं। ना तो इन्हें कोई रोकने वाला और ना ही टोकने वाला। मौत की ये रेस देखने में जितनी अच्छी लगती है, जिंदगी के लिए भारी पड़ने में देर नहीं लगती। रेस लगा रही भैंसा गाड़ी जीतने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ जाती है और पलट जाती है। गाड़ी के पलटते ही उस पर बैठे सभी सनकी सवार मुंह के बल हाईवे पर दूसरी तरफ धड़ाम हो जाते हैं। शुक्र है हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं आती और बड़ा हादसा टल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। खबर सिद्धार्थनगर से है। पुलिस ने बाइक सवार को जमकर पीटा है। चेकिंग के दौरान पेपर न होने पर किस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस गिरा कर मार रही है एक शख्स को, जरा वो आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये चेहरा देखकर निश्चित तौर पर सिद्धार्थनगर के एसपी भी अगर देख रहे होंगे, उनका सर भी शर्म से झुक जाएगा। बाइक के पेपर ना दिखा पाने पर पिटाई की गई है। इसके लिए क्या कहीं पर भी किसी देश के कोने में चले जाइएगा, अगर आप बाइक का पेपर नहीं दिखाते हैं तो क्या आपकी पिटाई हो सकती है? इसके लिए आप चालान काट सकते हैं, जुर्माना राशि वसूल कर सकते हैं, लेकिन इतनी बेरहमी से उसके ऊपर चढ़कर क्या आप उसकी पिटाई कर सकते हैं? अगर पिटाई कर सकते हैं तो सिद्धार्थनगर पुलिस के कप्तान की सरपरस्ती में ये हो सकता है, वरना पूरे देश में कहीं नहीं। युवक की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। खिसराहा थाना क्षेत्र की सकारपारा एक चौकी है, इसी चौकी में ये दो पुलिसकर्मी तैनात हैं, दोनों सिपाही हैं, और ये किस तरह से पीट रहे हैं जरा एक बार फिर से दिखाते हैं। चूंकि अभी तक ये ड्यूटी पर कार्यरत है, इनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन ना तो लॉ एंड ऑर्डर के हेड ने लिया यानी जिला अधिकारी, और ना ही इनके कप्तान ने। राशिद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है सिद्धार्थनगर से। राशिद बताएंगे इतनी बेरहमी से पुलिस वाले सकरपारा चौकी के पुलिस वाले क्यों पीट रहे हैं? राशिद आपको बता दें ये मामला दो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। जिस तरह से ये जैसा कि पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये शराब के नशे में था और जिस दिन मुहर्रम था, शादियां जा रही थी, वो गांव वालों को ये गाली दे रहे थे, जिसे स्थानीय लोगों ने चौकी इंचार्ज को फोन किया और आए वो चौकी ले जा रहे थे, जिसके लिए बात बढ़ी और ये मारपीट हुई। इस बारे में एसपी धर्मवीर सिंह ने तत्काल प्रभाव से इन दोनों लोगों पर कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर निलंबन। राशिद ये तो अपनी कमी छिपाने के लिए बता रहे हैं। चलिए अगर मान लेते हैं शराब भी पिया तो शराब पीने वाले को इस तरह पुलिस वाले मारेंगे, ये तो अपनी कमी छिपा रहे हैं। वाकई आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? आप जब वहां गए तो आपको लोगों ने क्या रिपोर्ट किया? स्थानीय इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने पेपर चेकिंग की बात कही थी कि पेपर गाड़ी का पेपर पुलिस मांग रही थी और इनके पास पेपर नहीं था, इन्होंने घर से लाने की बात कही थी, जिसको लेकर जो आरक्षी सिपाही है उनसे कहा सुनी हुई, जिसके बाद में बात नौबत आ गई यहाँ तक जिस तरह से। लेकिन एक ये कहा जाएगा कि पुलिस का माननीय चेहरा सामने आया है, जिस तरह से पुलिस ने पिटाई की है ये खिसराहा नहीं होगी जी। थाना अध्यक्ष, पुलिस के कप्तान का कोई रिएक्शन इस पर? पुलिस कप्तान का भी यही कहना था कि इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए जिस तरह से हुआ। जब उनको कर रही थी राशि, तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई कर रहा हूं और इस तरह की दूसरी घटना ना हो मैं तो यही चाहूंगा जी। तो वो यही चाहेंगे। तो अब तक उन्होंने किया क्या राशि, किया क्या उन्होंने? निलंबन किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है जी। चलिए बहुत शुक्रिया राशिद इस जानकारी के लिए। यानी इन्हें निलंबित कर दिया गया है इन दोनों सिपाहियों के। ये सकारपारा एक चौकी है खेसरहा के पास, उन्हें निलंबित किया गया। राशिद लगातार बने हैं हमारे साथ। पेपर नहीं दिखा पाने पर यह हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्रा भी हैं,
इसमें राशिद देवेंद्र मिश्रा भी हैं क्या? देवेंद्र मिश्रा चौकी प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज जो हैं वो वही देवेंद्र मिश्रा हैं, और आरक्षी जो है वो एक आरक्षी है जो जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये दोनों लोग साफ तस्वीरों में जैसा देखा जा रहा है कि मारपीट जो कर रहे हैं, पिटाई जो युवक की कर रहे हैं, यही दोनों लोग हैं जी। यानी इसी वीडियो में चौकी इंचार्ज देवेंद्र मिश्रा भी हैं प्रत्यक्ष? राशिद जी, ये देवेंद्र मिश्रा और महेंद्र प्रसाद, ये दोनों लोग जिन लोगों ने युवक को मारा पीटा है, ये दोनों लोग हैं। इन्हीं दोनों लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जी। यानी दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है? इसमें एक सिपाही और एक चौकी इंचार्ज जो है, चौकी इंचार्ज सकारपार जो है वीरेंद्र मिश्रा, वो है। चलिए, भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। गुंडई करने वाले दारोगा और सिपाही निलंबित हुए हैं। खबर चलने के 5 मिनट में ही निलंबित हुए हैं। भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर है यहाँ पर। गुंडई करने वाले सब इंस्पेक्टर जो कि चौकी इंचार्ज भी हैं और सिपाही, उन्हें निलंबित किया गया। और निश्चित तौर पर इस तरह के पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई से आगे बढ़कर कार्रवाई की जानी चाहिए, चूंकि लखनऊ से जो पुलिस के मुखिया हैं वो मित्र पुलिस होने का दावा करते हैं, लेकिन वो मित्र पुलिस कर क्या रही है वो तो क्लियर दिख रहा है। इस दारोगा की दरिंदगी को देखिए आप, जल्लाद निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई हक नहीं है इस तरह से किसी की पिटाई का। थप्पड़ मारा, लात घूंसे से उसकी पिटाई, और अब असर हुआ है। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है, और दारोगा और सिपाही इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है, यानी निलंबित कर दिया गया है। खबर चलने के 5 मिनट के भीतर इन दोनों को निलंबित किया गया है, लेकिन निलंबन से बड़ी कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून को हाथ में लिया है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए, पैरों से गर्दन दबाई, उसके बाद उसको गिराया, दूसरे सिपाही ने उसकी टांगों को खींचा और उसको लगातार मारपीट रहे हैं। राशिद लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राशिद, ये पेपर की वजह से, अगर पेपर होता या ये मंशा बना के आए थे ये लोग? आपको बता दें कि जो कहानी सामने आ रही, जैसा कि पुलिस कह रही कि शराब के नशे में ये वो था, उसको वो चूंकि माहौल ताजिया का था, मुहर्रम का जुलूस जा रहा था, उसमें ये व्यवधान पैदा कर रहा था, इसलिए कार्रवाई। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पुलिस वाले युवक से पेपर मांग रहे थे, पेपर न देने की वजह से बात आगे बढ़ी, जिस तरह से युवक की पिटाई हुई है जी। क्या यहाँ पुलिस का दहशत है, दबंगई है, और इसी तरह से लोगों को मारते पीटते हैं? इसमें 2 सिपाहियों को एक्शन लिया गया, और दारोगा पर भी एक सिपाही, और इस मामले में एक सिपाही और एक दरोगा, जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं वही है, उन लोगों पर एक्शन लिया गया। और जिस तरह से और लोगों से वहां पे बात की गई, क्योंकि ये सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर की चौकी पड़ती है, इसलिए इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, ये पहला मामला है इस चौकी का है जी। चलिए राशिद, आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है, यानी एक दारोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इन तस्वीरों को जरा फिर से देखिए। दारोगा का नाम देवेंद्र मिश्रा है, उन्होंने अपने सिपाही के साथ मिलकर इसकी बेरहमी से पिटाई की है, और इसके पास गाड़ी का कागज नहीं था। इसने बताया कि मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं घर जाकर गाड़ी के कागजात लाता हूं, लेकिन पुलिस ने ये मौका भी नहीं दिया और इसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की। जरा तस्वीरें देखिए। बहरहाल, भारत समाचार की खबर का असर हो चुका है। खबर आगरा से है, जहां मामूली बात को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट और पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सभी घायलों को पथराव का लाइव वीडियो भारत समाचार के कैमरे में कैद हो चुका है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जमकर ईंट पत्थर चले हैं। पथराव का वारदात कैमरे में, पथराव की वारदात कैमरे में कैद हुई है। मामूली विवाद में 2 पक्षों में भड़ंत हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मामूली विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई और उसके बाद की तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जमकर ईंट पत्थर चले हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लोगों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं, खुलेआम कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर ये दोनों पक्ष आमादा है। उन्नाव से खबर है जहां सदर कोतवाली के दही चौकी में एचपी गैस प्लांट में धमाके के बाद कमिश्नर मुकेश मिश्राम, आईजीएस के भगत मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम भी एचपी गैस प्लांट पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रेस्क्यू के लिए लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। ग्राउंड पे ये पता लगा है कि लगभग 8 टैंकर्स जो हैं फिलिंग के लिए आए हैं, इसमें एक ही नोजल में लीकेज होने की वजह से ये आग पकड़ी है। यहाँ की सिस्टम और जो जिले के फायर के और फायर सिस्टम से उठा लिया गया और एक बड़ी घटना। टैंकर्स हैं उनकी फिलिंग से लेकर जो उसके ट्रांसपोर्टेशन तक का, तो वो जो है अपनी जांच के माध्यम से फिर बताएं, हमको अवगत कराएं। जैसा भी प्रशासनिक तौर पर हम लोगों को उसमें सावधानियां और भविष्य में बरतनी है, जिसको जो है रखा जाएगा ध्यान में। यहाँ पर पूरा जो है फायर फाइटिंग इंतजाम करके उनको अभी सुरक्षित कर लिया गया है और 80% चीज़ें काबू में कर ली गई हैं और बाकी जो हल्का फुल्का है उसको तुरंत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ साथ पर्याप्त कूलिंग की जा रही है जिससे कि आग बलने न पाए। तो गैस प्लांट में धमाका हुआ था, हालांकि एकदम पूरी तरह से काबू में है। यहाँ पर सभी बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर गैस प्लांट बुला लिया गया है, मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। चालान की बढ़ी दरों से परेशान यूपी की जनता को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है। इस संशोधन के लिए जल्द ही यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है और बहुत उम्मीद है कि इसी मंगलवार को यह प्रस्ताव आ सकता है। यूपी में नए मोटर व्हीकल एक्ट की दरें कम हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन विषयों में केंद्र ने राज्य को संशोधन का अधिकार दिया है उस पर विचार करके उनमें नई दरें तय की जाएंगी। कंपाउंडिंग यानी मौके पर अपना जुर्म कबूल कर फाइन भरने वालों को कुछ राहत भी दी जा सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट जिन राज्यों ने लागू किया है वो भी अब चालान की रकम को कम करने पर विचार कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी के गृह प्रदेश गुजरात और बाद में कई अन्य राज्यों ने चालान कम कर दिया है। इन राज्यों में तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक और उड़ीसा शामिल हैं। हम इसके बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका समन शुल्क क्या रखा जाए इसके बारे में हम विमर्श कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शीघ्र देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम जरूर निश्चित कोई संशोधन लेकर आएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस मसले पर निशाना साधते हुए यूपी सरकार से राहत देने की अपील की थी। बताया जा रहा है कि जल्द ही यूपी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग इस मसले पर प्रस्ताव ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और रात 7:55 पर भारत समाचार के एडिटर इन चीफ के साथ द डिबेट में इसी बहस को देखिए आप कि आखिरकार क्यों इतने ट्रैफिक जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और कैसे योगी आदित्यनाथ ने इसे माना है। आगे बढ़ेंगे, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार की तरफ से तय जुर्माने को कई बीजेपी शासित राज्य भी मान रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है और ये सही भी है क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत गुजरात ने की, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और अब महाराष्ट्र भी कह रहा है कि कम करना चाहिए क्योंकि वहां चुनाव है। और इसी बात लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया और तंज कसा। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, भाजपा शासित राज्यों द्वारा चालान के नए नियमों को ना मानना यह दर्शाता है कि यह सच में कितने जनविरोधी दमनकारी है, तभी तो उन राज्यों की इतनी हिम्मत हुई कि वो सख्त फैसले लेने वाले तथाकथित निर्णायक
नेतृत्व को चुनौती दे सकें।